कि पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा है कि साउथ एशिया में जो प्राइमरी थ्रेट है वो कश्मीर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और भारत में, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि, और अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कहा है कि पीस और सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस को कि कश्मीर के मसले को अर्जेंट बेसिस पे हल जो है वो करें। अच्छा, पिछले 75 साल से पाकिस्तान ये कह रहा है, लेकिन दुनिया के कान पे जो नहीं रिग रही और वो सुन, हम कह देते हैं वो सुन देते हैं, जबकि जो पाकिस्तान ने एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन एक हफ्ते पहले जो इंट्रोड्यूस कराई थी, उसमें कश्मीर के मसले में बहुत सारे लोगों का कहना है कि यू टर्न पाकिस्तान ने लिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसको जो प्री 5 अगस्त 2019 की पोजीशन है उसको एज ए प्री कंडीशन शायद नहीं रख रहा फॉर टॉक्स विद इंडिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम इसको फॉर लॉन्ग हमने इसको एक कश्मीर को न्यूक्लियर जो है फ्लैश पॉइंट कहा, प्राइमरी थ्रेट अभी भी कह रहे हैं, दुनिया उसको उस तरह नहीं मान रही, बीजेपी को हम कह रहे हैं कि वो एक नेशनलिस्ट है और हिंदू मेजोरिटेरियन है और सो एंड सो, लेकिन ये सारी सारी बातें चेंजेस है। तो इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की आज बैरिस्टर हामिद भसानी साहब से कि वो हमें टाइम दें और हमें इसकी जरा टाइमलाइन समझाएं या बताएं कि ये जो हम बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान जो कहता रहा कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको दुनिया ने अटेंशन नहीं दी और अभी भी कह रहे हैं कि इसको जो है वो अर्जेंटली बेसिस पे रिजॉल्व किया जाए। बिरसे साहब, सबसे पहले तो आपका वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बिरसे आपकी मेहरबानी जनाब, सेवा सर, थैंक यू। साहब, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया इसकी लाइट में कि फ्लैश पॉइंट स्टिल एक थ्रेट है और इसको अर्जेंटली बेसिस पे जो रिजॉल्व किया जाए और जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक यू टर्न है, आप इस सबको कैसे देखते हैं सर? देखें जी, जो अर्जेंटली फ्लैश पॉइंट का ताल्लुक है ना, तो इसका ताल्लुक तारीख से है और इसलिए मैं हमेशा तारीख में चला जाता हूँ। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये अवाम तारीख पढ़ते नहीं, दूसरा ये कि अवाम को तारीख याद नहीं रहती, और तीसरा ये कि हमारी तारीख गलत पढ़ाई जाती है, जिन लोगों को पढ़ाई भी जाती है या जो उनको याद भी रहती है। तो इसीलिए हमारी हर चीज़ जो है ना, वो सर के बल खड़ी होती है, यानी सच्चाई को सर के बल बल खड़ी करके तो आप देखने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उल्टा लटकना पड़ता है बकौल किसी शायर के। तो इसमें इसलिए मैं बार बार ये हवाला देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ कि जब कभी पाकिस्तान बिहाइंड द सीन कोई कंप्रोमाइज कर रहा होता है कश्मीर पे, तो उस वक्त इस तरह की, मैं इसको हाथों पाई कहूंगा, शुरू हो जाती है। चूंकि उस वक्त उनको खौफ होता है, जो हमारे हुक्मरानों को, वो अवाम का खौफ होता है। और ये हमारी गलतफहमी है कि हुक्मरान यानी जो रूलिंग एलीट होती है किसी भी वक्त की, उसको अवाम का खौफ नहीं होता। उनको सबसे ज्यादा खौफ जो होता है ना, खौफ खुदा से भी ज्यादा है, या उनके जो और कोई घरेलू खौफ या जैसे भी खौफ होते हैं, उनसे ज्यादा अवाम का खौफ होता है। और ये डॉक्यूमेंटेड हो चुका है। आप पूरी दुनिया के जो ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट पढ़ें, एजेंसीज की रिपोर्टें पढ़ें, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सफारत खानों की, ये सारी जो है आप उसमें देखेंगे कि उसमें जोर किस चीज़ पे दिया जाता है कि किसी इशू पे जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अवाम का रद्द अमल क्या हो, चूंकि वही अल्टीमेटली तय करता है कि उस हुकूमत ने बचना है या खत्म हो जाना। और ये एक ऐसा सिलसिला होता है जिसके आगे बड़े बड़े ताकतवर डिक्टेटर्स, जिनके कंधों पे कहीं स्टार, जिनके ओहदों में फील्ड मार्शल्स और क्या क्या ताकतवर हथियार होते हैं, न्यूक्लियर बटन्स पे उंगलियां होती हैं, वो भी नहीं बचते, बल्कि उनका खौफ और इंसिक्योरिटी और ज्यादा होता है। कश्मीर पे अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा ये बात सादक आती है, सबसे ज्यादा सच साबित होती है। इसकी मेरे पास बेशुमार मिसालें, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल अगेन जो है वो जनरल अयूब खान साहब की है, जो सदर पाकिस्तान भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, जो कि एक बहुत बड़ा ओहदा था, गालिबन एक बरतानवी फील्ड मार्शल के बाद दूसरे थे, और उन्होंने बाकोल उनके बहुत बड़े काम भी किए हुए थे। वो तेरी याद आई तेरे जाने के बाद वाले ट्रक बड़े भरे हुए थे वाले, उन्हीं कामों का इशारा करते हैं। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार उस वक्त जो है वो स्पेन और पुर्तगाल वगैरह के बराबर थी, जो आपकी होती है डेवलपमेंट की शरह।
बेरोजगारी पे काबू था और दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट का ये आलम था कि अमरीकी सुदूर आके उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते थे और उनकी इंटेलिजेंस को और जानत को और मर्दानगी को बाकायदा डॉक्यूमेंट करते थे। कई प्रेसिडेंट्स के आपको मैंने पहले भी जिक्र आपके प्रोग्राम में या कहीं और किया। लेकिन जब 1965 की वार की सिचुएशन शुरू हुई और वो उनके खिलाफ जानी शुरू हुई, यानी रायामा ने ये तय कर लिया कि ये सब अयूब खान का किया दरा है, वो कैसे कि उन्होंने कहा जी कि ये जो चीन फैक्टर आ गया है बर सगीर में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और दरमियान में आके चीन ने धमकी दे दी है कि हमारी भेड़ें वापस करो और हमारे सरहद पे आपने जो मोर्चे बनाए हुए उनको डिसमेंटल करो और हमारे जो मुसाफिर गिरफ्तार किए उनको छोड़ो, वरना हम आपको 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और हम आप पे हमला कर देंगे। जो अल्टीमेटम उन्होंने 17 सितंबर को दिया और फिर उसको एक्सटेंड करके 22 सितंबर रख दिया। तो 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशन की करारदाद की डेडलाइन भी थी कि जंग बंदी करो इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया मान चुका था और पाकिस्तान जो है वो अभी नहीं मान रहा था, और उसी दिन डेडलाइन चीन की भी थी कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे। अब ये जो सिचुएशन थी इसमें आप मुझे ये बताएं कि ये सारा आप शतरंज की तरह बना के टेबल पे रखें कि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, जंग क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गई है, एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री हैं, दूसरी तरफ अयूब खान हैं, कम्युनिकेशन हो रही है अमरीकियों के साथ, रूसियों के साथ, दुनिया भर के जो है वो सफारतकारों के साथ, अचानक चीन अल्टीमेटम दे देता है कि जी मैं भी इंटर होने वाला हूं, चूंकि इंडिया से मेरा बहुत पुराना फड्डा है जी, मवेशी पकड़े हुए हैं हमारे या जो भी इस तरह के हवाले दे के। तो इसका बजाय इसके कि अमरीकी या बरतानवी या रूसी जो है वो चीन को कहें कि भाई आप अपने खातर जमा रखें और इस मामले में मुदाखलत न करें, उन्होंने अयूब खान को पैगाम दिया कि आप फिलफोर जंग बंद कर दें इंडिया से। उसने पूछा भाई वो क्यों, उन्होंने कहा इस जंग की वजह से चीन को मौका मिला है कि वो मुदाखलत करे बर सगीर। वो जो भेड़िए और लेले वाला किस्सा है ना कि तुम पानी यहाँ क्यों पी रहे हो, तो उसने कहा मैं तो पानी बाद में पी रहा हूँ तुम्हारे, ये तो ऊपर से इधर आ रहा है। तो उसने कहा पता नहीं इसी कोई बहाना बना के उस पर हमला कर दिया। तो अमरीकियों ने सदर अयूब को बाकायदा वार्न किया और ये वाल्टर पैट्रिक मकानी जो उस वक्त सफीर थे उन्होंने कि अगर चीन ने ये इस मामले में मुदाखलत कर दी अपनी धमकी के मुताबिक तो इसका जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि अगर चीन मदाखलत करता है तो डेफिनेटली जो है वो अमेरिका को भारत की हमायत करनी पड़ेगी, क्योंकि चीन कम्युनिस्ट कंट्री है और भारत जो है वो आज़ाद दुनिया में शामिल है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कम्युनिस्ट आज़ाद दुनिया पे हमला करे तो ये आज़ाद दुनिया और कम्युनिस्टों की जंग ना बन जाए और अमरीका अलग रहे, तो हमें मदाखलत करनी पड़ेगी। तो हम मदाखलत करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि सोवियत यूनियन मदाखलत ना करे, चूँकि जाहिर है कि सोवियत यूनियन एक सेकंड सुपर पावर है और वो कैसे इतनी बड़ी जंग में खामोश रह सकता है, और जब वो मदाखलत करेगा तो तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी और उसका जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और इससे पहले माजी में जिन लोगों ने पहली और दूसरी जंग अजीम छेड़ी थी उनका अशर देख लें, जिसमें हिटलर भी शामिल था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयूब खान को किस तरह के खौफ में जो है धकेला गया, और उन्होंने जंग बंदी का ऐलान किया ऑल ऑफ सडन ड्रामेटिक अंदाज में 22 सितंबर 1965 को गैर मशरूत तौर पे। हालांकि वो बार बार ये 17 दिन से पीट रहे थे कि रायशुमारी के बगैर कश्मीर में और कश्मीर का मसला हल किए बगैर कोई जंग बंदी कोई बातचीत आउट ऑफ टेबल है, ठीक है। ऊपर से अल्लाह ने उनको एक मौका दिया चीन की ये जो काम आया था, जिस पे जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि जी इसको हम बतौर कार्ड यूज़ करते हैं और कहते हैं कि चीन मदाखलत कर रहा है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है भाई, तो हमें तो हम हमारा मुतालबा मानो, नहीं तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भुट्टो रेडिकल हो गया है, और हम शास्त्री ने कहा कि अगर अमन चाहिए तो भुट्टो से आपको जान छोड़नी पड़ेगी, और अयूब खान ने भी अपने मिनिस्टरों को कहना शुरू कर दिया कि भुट्टो पे नज़र रखो क्योंकि इसमें अब तो वाजन जो है वो नहीं रहा है। ये जो फिर भुट्टो वर्सेस
अयूब खान चीजें शुरू हुई अलग, लेकिन कहने का मतलब ये था कि अब अयूब खान जब फंस गए इस तरीके से बैन अलाकौमी जंगल में, तो उन्होंने लिंडन जॉनसन को खत लिखा कि मुझे जो है फेस सेविंग के लिए एक मौका चाहिए। और उसका तरीका उन्होंने कहा क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी बस आप ये बयान जारी कर दें कि आप मसलाए कश्मीर पर अपनी रवायती पॉलिसी जारी रखेंगे। वो रवायती पॉलिसी मैंने अभी बयान कर दी कि जिसका भी कसूर है अल्टीमेटली तुम्हारा कसूर है, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, चूंकि बाकी को हम कर कुछ नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि ये आप बयान दे दें कि रवायती पॉलिसी हम जारी रखेंगे, और सिर्फ इतने से बयान को मैं अपनी फेस सेविंग के लिए ये आप वाल्टर जो पैट्रिक मैकानी के खतूत उठा के देख लें आर्काइव में पड़े, कि ये आप कर दें तो मैं जंग बंदी का ऐलान कर देता हूँ गैर मशरूत तौर पर। और कश्मीर पे उन्होंने ये सिर्फ चीज़ जो है वो अमेरिका से ले ली कि हम गैर रवायती तौर पे, जिसकी आगे एक लंबी कहानी है, ये एक मौका था। उसके बाद दूसरा मौका जो है वो ताशकंद में जब ले जाके रूसियों ने उनको बैठाया, तो उसमें भी अयूब खान को जब जो रूसी उस वक्त चेयरमैन थे ऑफ मिनिस्टर जो है एलेक्सी कोसिजिन, तो उसके साथ मुज़ाकरात उन्होंने जब कराने फैसिलिटेट करने शुरू किए, और आखिर में उन्होंने कहा कि आपकी कोई शर्त इंडिया नहीं मान सकता कश्मीर पे, कोई रायशुमारी की वादा, कोई किसी किस्म की इस पर बात बल्कि मेंशन ही नहीं हो सकता कश्मीर। तो अयूब खान ने कहा कि मैं वापस ले जाके अवाम को क्या दिखाऊंगा भाई, मुझे कम अज़ कम कुछ ऐसा तो दो कि जिसमें मैं जाके एयरपोर्ट पर उतर के लोगों को मुँह दिखाने के काबिल रहूँ, वरना वो मेरे खिलाफ जो है खूनी बगावत कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें हम ये लफ्ज़ डाल देते हैं कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का ताशकंद पे डिक्लेरेशन है कि यूज़ ऑफ फोर्स नहीं होगी, हर चीज़ पूरा अमन तरीके से हल होगी और कश्मीर समेत हर मामले पे बातचीत होती रहेगी, जिस पे आके तो अयूब खान ने वापस आके अवाम को वो बेचा और कहा कि नहीं जी मैंने कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं की है। ये मैं आपको दूसरी दो मिसालें, इसकी कम अज़ कम मुझे कंक्रीट किस्म की मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूं, जो कि आपका वक्त ज़ाया करने वाली बात है, एक मिसाल काफ़ी होती है चीज़ को वाजे करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हुक्मरान तबकात, और बाद में जुल्फकार अली भुट्टो ने जो कि बहुत बड़े एक रेडिकल हीरो डिक्लेयर हो गए थे अयूब खान के इन हरकत की वजह से, उन्होंने खुद जाके तो शिमला में जो मायदा किया उसमें भी उन्होंने तकरीबन एग्जैक्टली यही काम किया कि कश्मीर को उन्होंने एक ऐसे अंदाज में उसमें डाला जिसमें वो बाकी ऐरे गहरे मसाइल में से एक मसला था जिसको बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, जो कि टोटली पाकिस्तान का जो बुनियादी स्टैंड था जो वो यूएन में लेता रहा है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अनकंडीशनल एंड अनकम्प्रोमाइजेबल, और अवाम को तकरीरों में बताते रहेंगे कश्मीर पर तो कोई सौदेबाजी किसी किस्म का कोई बात हो नहीं सकती, और इंडिया से हाथ जोड़ के सिर्फ ये मौका मांगते रहे कि कश्मीर का नाम ही गायब करने के बजाय इस पे बातचीत होती रहेगी, लेकिन हम इसको प्री कंडीशन नहीं रखेंगे। आप देखें दो ऑफिशियल मायदे हुए आपके और इंडिया के, ताशकंद और शिमला, दोनों में दिस वाज नॉट ए कंडीशन, कश्मीर कंडीशन नहीं थी, उसका एक ज़िमनी जिक्र था कि हम कश्मीर समेत दीगर मामला जो हैं उनको बातचीत से तय करेंगे और ताकत का इस्तेमाल नहीं, यानी लड़ेंगे नहीं और गोरीले दाखिल नहीं करेंगे, बिल्कुल जिस तरह अनऑफिशियली ये कहा गया कि कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, इसी तरह ये कहा गया कि गोरीलाज जो दरअंदोजी का इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग जो मुतालबा था, जिसको नीमो रिपोर्ट में अक्वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में भी पेश किया गया था कि यहाँ पे अब अयूब खान को वो क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि जी उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रांड सलाम के जरिए यहाँ पे दारानदोजी की, तो इससे फिर जंग शुरू हुई, इसलिए अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो इम्पॉर्टेंट बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कान खड़े कर लिया करें, जब आपको कोई नया फार्मूला नज़र आए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और इस तरह की कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आए, कोई नया मायदा होने वाला हो, कोई नया ताशकंद खुलने वाला हो, कोई नया शिमला होने वाला हो, कोई नया कारगिल होने वाला हो, तो उससे पहले अवाम के कान बंद करने के लिए, उनको वो 20 करोड़ गद्दे जाहिर करने के लिए जो कि बकौल हबीब जालब के
वो इस तरह की तकरीर सबसे पहले शुरू करते हैं और शुरू यूनाइटेड नेशन से करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अय्यूब खान ने अचानक अमरीकियों के पूछे बगैर यूनाइटेड नेशन में मसला कश्मीर उठा दिया था 64 में। अमरीकी हैरान रह गए थे कि ये क्या हो गया, जिसके बाद बिलाखर जाके 65 की जंग शुरू। एग्जैक्टली सेम चीज है, ये कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। ये आपके रियासत मदीना के जो अजीम कायद हैं मौलाना हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, वो इस पे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं 5 अगस्त 2019 को। अब ये उसको ऑफिशियल हैसियत दे रहे हैं, और ऑफिशियल हैसियत देने के लिए एक तकरीर उन्होंने खुद की थी यूनाइटेड नेशन में, जिसका नेट शेल में कोई मायने नहीं थे। अब उनके एम्बेसडर्स ये तकरीरें करते रहेंगे ताकि अवाम को ख्वाब खरगोश में मजीद लोरियाँ मिलती रहें। और इंडिया के साथ ये जो एजेंडा है सर, ये मैं पहले गालिबन में फिर हिस्ट्री में चला जाता हूँ, ये सबसे पहले अमरीकी फार्मूला था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि इनको इंटरडिपेंडेंट किया जाए। इसके लिए उन्होंने दो चीज़ें तजवीज़ की थी, एक ये कि पाकिस्तान इंडिया को गैस फराहम करे, जिसके पास अपनी गैस ही काफ़ी नहीं थी, लेकिन अलामती तौर पर, ताकि इंडिया ये बिलीव करने पे मजबूर हो कि हम गैस के सिलसिले में पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं, और जवाब में पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पानी फराहम करे, ताकि पाकिस्तान में ये इंटरडिपेंडेंसी की फीलिंग डिवेलप हो। ये अमरीकी रिटर्न फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ 60s का। तो इसमें जो होगा कि ये फिर इसके बाद हम जॉइंट डिफेंस की बात करेंगे कि जब हमारे मफादात मुश्तरक हैं और फिर हम तजारत खोलेंगे, सरहदें खोलेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एग्जैक्टली तारीख अपने आप को हर दो के बाद, हर दो 10-20 सालों के बाद अमरीकी क़यादत में दोहराती है। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक तरफ रेड चीन, जिसको आप कहते हैं, जिसपे अय्यूब खान को लिंडन जॉनसन ने अल्टीमेटम दे दिया था कि रेड चीन के साथ आपकी किसी किस्म की अलामती जुड़त भी जो है वो अमेरिका के लिए मसला है और अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अल्टीमेटम दूसरे अल्फाज में जो बाइडन ने जो है वो इमरान खान को दे दिया है, जिससे वो बातचीत करना भी गवारा नहीं करते। अब चीन एक जिन के तौर पे खड़ा है, उस वक्त चीन जो है वो सिर्फ एक छोटा सा सर नकार रहा था, जो बाद में एक सिचुएशन बनी जिसकी वजह से अब चीन सोवियत यूनियन को भी उस तरीके से रिप्लेस करता है, कम से कम खित्ते में एक बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पे। उसमें पाकिस्तान अब अपने पत्ते दोबारा जो है वो गिन रहा है, और वो इस तरह अपने आप को रीअलाइन और करने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से हम अमरीकियों के साथ भी ताल्लुक बनाएं और चीनियों के साथ भी ताल्लुक। वो बैलेंस क्रिएट करने के चक्कर में उन्होंने ये जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी टाइप चीज सामने लाई है, ये अवामी मफाद का नाम की कोई चीज इसमें चूंकि जुड़ती नहीं, चूंकि ये सुपर पावर्स के इंटरेस्ट हैं 100% जिनको जो है वो सर्व किया जा रहा है, इसलिए अब अवाम का खौफ उनके सर पे सवार हो गया। और अब ऐसी तकरीरें आपको आम सुनने में मिलेंगी यूनाइटेड नेशन में भी कि हम मसलाए कश्मीर पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और जलसे जुलूसों में भी। और इसकी मिसाल मैं आज दे देता हूं कि आज आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जो है उस पर यह इंकशाफ हुआ है कि मसला कश्मीर ने अचानक बहुत बड़ा पलटा खा लिया है और ये हल होने के करीब आ गया, ये आज का इंकशाफ है। तो हम अब इस पर और ज़ोर शोर से काम करेंगे, बाहर वफूद भेजेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुक दुरुस्त कर रहे हैं, तजारत की रास्ते की बातें कर रहे हैं, दुश्मनी खत्म कर रहे हैं, 100 साल तक जंग बंदी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक असाल्ट करेंगे इंडिया पे, जिस पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने कश्मीरियों को कैदखाना बना रखा है और हमें फिलफोर आज़ादी चाहिए। अब इन दो चीज़ों को रिकनसाइल आप ही करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ये एक सिचुएशन है ऑब्वियसली इस तरह की है जिसको ना हुकूमत को पता आ रहा है कि किस तरह इसका सलूशन निकालना है। लेकिन वो जिस तरह सर आप बात कर रहे थे ना वफूद वाली, वो सिलसिला तो बंद हो गया। वो मुझे पता है जब बुरहान वानी शहीद हुआ तो उस वक्त इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया में एमिसरीज भेजे एक दफा कि जनाब हम बताएंगे कि देखें क्या जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर वो वफूद जाने भी बंद कर गए। और रिसेंटली वो जो हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है वो फ्रांस में, जो आपको पता है वो सर दर्द का इलाज कराने गए हुए वो थे, वो फड़े गए बेचारे,
उन्होंने आपको पता फिर इनको सियासतदानों को शौक भी होता है ना कि हमारी जरा पब्लिसिटी भी हो, हम यहाँ पे बड़े आए हुए हैं, तो वो फिर बाद में उनकी ऑडियो भी लीक हो गई, वो उल्टा बजाय इसके कि वो फायदा करें कि नुकसान ही हुआ है। सर एक दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली बात तो यह है कि ये जो दुबई की सरकार जो है या यूएई की सरकार जो है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी और कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम वहां पे बड़ा पैसा लगाने वाले हैं। इसमें आपको याद है कि जब सर सीपैक आया था तो जब उन्होंने पता चला कि जी सीपैक का रूट कश्मीर और जीबी और इस यहाँ से गुजर रहा है, तो चाइनीज ने इंडियंस ने कहा जी कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये तो हमारी टेरिटरी, आप यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं। अच्छा, दुबई की सरकार वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और भी वो उसको इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया, पाकिस्तान बोला तक नहीं है। उधर हम ये तो कह रहे हैं कि जनाब वो यूएन में हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने ये तो कहा है कि जी डॉक्टर ग्रिगोरी स्टैंटन जो है वो जो हेड ऑफ द जेनोसाइड वॉच है, जिन्होंने आपको याद होगा रवांडा के जो जेनोसाइड का जिक्र किया था और कहा था कि ये हूती और टुत्सी जो ट्राइब्स हैं इनकी लड़ाइयां आपस में होंगी, उनकी प्रेडिक्शन की थी कि वहां जेनोसाइड हो सकता है, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है कि जी वो कश्मीर में भी जेनोसाइड हो सकता है। ये तो हम रेफरेंस दे रहे हैं, दुनिया को तो हम बता रहे हैं सिर्फ बातों की हद तक, लेकिन हम यूएई की सरकार से क्यों बात नहीं कर रहे? अगर अगर हम वाकई सीरियस हैं, अगर हम वाकई ही समझते हैं कि बात करनी है, या फिर आप वाली बात है कि कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं इसलिए अब दुबई से भी क्या बात करनी है, इसकी क्या वजह है सर? हमने क्यों इसे डिप्लोमेटिकली नहीं उठाया क्योंकि तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी? उसकी वजह यह है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और यूएई की जो मूव है उसको पाकिस्तान की कंसेंट हासिल है जनाब, वो कंसल्ट के जरिए हुई है। चूंकि ये देखें अब जिस तरह सऊदी अरबिया जो है ना वो अपने बहुत सारे वाटर टेस्टिंग के लिए यूएई को इस्तेमाल करता है, जो काम वो खुद नहीं कर सका। आपने देखा कि माजी में किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसने जो है वो यूएई को इस्तेमाल किया, चूंकि यूएई का अपना एक डिफरेंट रोल और इमेज डिवेलप हो गया है जिसके खिलाफ लोग उस तरीके से रद्द अमल नहीं करते, चूंकि उसने इतना कुछ कर लिया है कि अब लोगों के रद्द अमल वाली जो एक वो होती है ना मामला, वो थोड़ा ठंडा हो गया। तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान को इस मामले में कंसल्ट ना किया गया हो, और ये शाह महमूद कुरैशी जैसे बेसब्र किस्म के जो लोग हैं ये उस पर बयान ना देते। इनके जो तरह तरह के मिनिस्टर जिन्होंने बयान नाक पे धरे होते हैं हर बात पे, उस पर तो बयानात का एक सिलसिला शुरू हो जाता, आपका मीडिया जो है वो पूरे पूरे चैप्टर खोल के बैठ जाता। ये बिल्कुल प्री प्लान्ड अंडरस्टैंडिंग किस्म की मूव है, और मैं इसके हक में हूँ, ये मैं आपको बता दूं मैं क्यों इसके हक में हूँ। मेरी अपनी रीजन है, मैं समझता हूँ फ्रॉम डे वन फ्रॉम 1947 इन चीजों के साथ कश्मीर को जोड़ के तो कश्मीर केस भी खराब किया गया और पाकिस्तान और इंडिया के अवाम के मसाइब में भी इजाफा किया गया। इन दो चीजों की आपस में कोई जोड़त नहीं थी कि जी आप कश्मीर का मसला हल करेंगे तो तभी जो है हम आपसे तजारत करेंगे। ये बात वो पैट्रिक मैकानी का मुझे बार बार फिर ये बातें जाती हैं, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो को ब्लंटली ये कहा था कि आपकी ये बात जो है समझना समझदारी की बात नहीं है, ये समझना समझदारी की बात नहीं है कि आप हर चीज में मसला कश्मीर को प्री कंडीशन के तौर पर रख के ही तो आगे बात करेंगे, आपको दूसरी चीजों पे बात करनी पड़ेगी। सरहदी तकाजे जो आपके डिफरेंट जगहों पे हैं, तजारत के इश्यूज हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला है, कल्चरल ब्लॉकेड है जो आपने किया हुआ है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी आप समझ लें किया हुआ है। देखें अफगानिस्तान को एक्सेस नहीं दी गई इंडिया को अफगानिस्तान में गंदम की सप्लाई के लिए, ये सारी चीजें इकोनॉमिक ब्लॉकेड और क्या होता है, डिप्लोमेटिक तो एक है तो है ही है। तो इन चीजों को कश्मीर के साथ आप नाथी करके मसला कश्मीर हल नहीं कर सकते। मसला कश्मीर की अगर आप हल करने की तरफ कोई पेशकदमी कर सकते हैं तो उसका वाहिद रास्ता यह है कि ये सारे इश्यूज जो हैं इनको आप सेपरेटली डील करें। मसला कश्मीर इट सेल्फ स्टैंड करता है अपने पांव पे, उसकी अपनी ज्यूरेटिक हिस्टोरिकल कल्चरल और पोलिटिकल रीजन है, उसके लिए आपको किसी और रीजन की जरूरत नहीं कि आप उसके साथ जोड़ें कि हमें पानी नहीं मिलेगा तो मसला कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, या मसला कश्मीर पे बात नहीं होगी तो पानी पे बात नहीं करेंगे। ये मसाइल बिल्कुल अलग अलग हैं और इनको अलग अलग तरीकों से ही हल किया जा सकता है, और ये कॉमन सेंस प्राइमरी स्कूल विजडम है
कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा, जितना ज्यादा एतमाद होगा, जितना ज्यादा जो है वो आना जाना तजारत और इस तरह की चीजें होंगी, इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मसला कश्मीर पे बात हो सके। अब बंदूक तान के आपने देख ली, दहरांदोजी मिलिटेंसी करके आपने देख ली, लोगों को मरवा के लाशें गिराने और गिनने और बेचने का अमल करके आपने देख लिया, हर काम आपने करके देख लिया, उसमें आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे गए और कश्मीरियों को जो आज़ादी मैसर थी वो उससे भी गए, और ये आज़ाद कश्मीरियों और दूसरी जो फौजें आपने पीछे खड़ी की हुई थी वो वहीं खड़ी की खड़ी तमाशा देखती रह गई और दरिया के नीचे से हजारों टन पानी जो है वो बह गया। तो जनाब ये सबक सीखने का वक्त है, और सबक ये है कि इसको अलग होने दें आप। मसला है कश्मीर के हवाले से इन्होंने जो सरेंडर कर लिया, ये सरेंडर इसलिए इसका लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि इनकी पॉलिसी गलत थी, वरना इसको सरेंडर कहना भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ इशू है। ये गलत पॉलिसी की वजह से सरेंडर हुआ है, वरना ये अगर पहले दिन से ही इस तरीके से मामलात को संजीदगी से देखते, दानिशमंदी से देखते और अपनी लिमिट्स देखते। आप कहते हैं आपके पास लड़ने की भी ताकत नहीं है, आपके पास जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक कैपेसिटी होती है या लेवरेज होता है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इंटरनेशनल एरिना में, वो भी आपके पास नहीं है। तो फिर आपके पास है क्या कि आप एक बहुत बड़ी ताकत को या एक बहुत बड़े पड़ोसी को जो है वो डरा धमका के तो ज़मीन का एक टुकड़ा उससे ले लेंगे। इसके बजाय अगर आप इसको राइट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर और उनकी फ्रीडम का मसला बना के तो आपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मसाइल से अलग करके देखें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा होती हैं, क्योंकि उसमें उसको दुनिया एक दूसरे तरीके से देखती है। ये लैंड ग्रैबिंग का इशू नहीं है, रियल स्टेट का इशू नहीं है, ये इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम और सिविल लिबर्टीज़ का इशू है, उसको उसी तरीके से हल करें। अब इस पे कौन है? अगर आप ये मुतालबा करें कि कश्मीर के अंदर अगर लोगों की शहरी आज़ादियाँ छीन ली गई, उनके इंसानी हकूक पे डाका पड़ गया, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को महदूद कर दिया गया, जो कि ठीक किया जाए, तो दुनिया में कौन सा मुल्क है जो कहेगा ना ठीक करो। लेकिन उसके आगे आप ब्रैकेट में लिखते हैं कि लेकिन रायशुमारी करके इस इलाके को हमारे हवाले कर दिया जाए, तो फिर आपकी हमारे जो करेगा वो बेवकूफ़ है, और दुनिया में बेवकूफ़ों की अब कमी देखें। इसलिए है कि 70 ईयर्स का विजडम इसके पीछे काम करता है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विजडम बन गया है। अमरीकी अब कश्मीर पे बात करने से पहले पिछली फाइल खोलते हैं, वो पीछे जाके हैरी ट्रूमैन से लेके लिंडन जॉनसन और जेएफ कैनेडी की फाइलों पे नज़र डालते हैं और उसी को लेके आगे चलते हैं। ये आज जो आप तजवीज़ें मुझे दिखा रहे हैं ये मैं आपको हिस्ट्री से निकाल के उन्हीं अल्फाज में देख रहा हूँ, कापी है भाई, एक लफ्ज जो है वो अलग नहीं है, कामा या फुल स्टॉप या कोई चीज। तो इसलिए जनाब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोगों को एक विशेष सर्कल के अंदर कैद कर दिया गया। पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं, हर 10-12 साल बाद ये मसला इस गलत तरीके से उठा के तो फिर बिठाने की कोशिश की जाती है, फिर उठा के बिठाने की कोशिश की जाती है। ये जो बुजुर्ग इन्होंने भेज दिए यूनाइटेड नेशन में, उनकी वाइड स्किल ये है कि वो सफारतकारी इस बात को समझते हैं कि बात ऐसे करो कि किसी की समझ में ही ना आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपसे यही बात करने लगा था, एक छोटा सा पॉइंट सर, ये आखिरी छोटा सा पॉइंट एड्रेस कर दें। ये बुजुर्ग जो मुनीर अकरम साहब हैं, इनको लगा दिया यूएन में और एक और बुजुर्ग को भेजा जा रहा है वॉशिंगटन में। वो पहले सफीर भी रह चुके हैं, आजाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं, वो ऊपर के ओहदे से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये क्या पावर हंगरी है या वाकई इंडिस्पेंसिबल है कि ये बुजुर्ग जो हैं ये इनके बगैर मुल्क ही हमारी कश्मीर पॉलिसी नहीं चल सकती, तो क्या बनेगा सारे इन बुजुर्गों के बगैर हमारा? ये तरह काइंडली छोटा सा कमेंट कर। वो कमेंट बहुत बड़ा है सर, ये है कि जो कश्मीर के नाम पे आप कन्फ्यूजन फैला रहे हैं विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसके लिए इससे बेहतर बुजुर्ग मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज हैं। वो 5 साल तक आज़ाद कश्मीर के सदर रहे और जो बातें वो करते थे उसका आज़ाद कश्मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उनकी कोई बात वहाँ किसी ने समझी, ना यूनाइटेड नेशन में समझी, ना चीन में समझी। क्योंकि बात आप पूरी करेंगे तो समझ में आएगी ना, तो बात अगर आप अगले बंदे को देख के उसकी तबाह जो है वो समझ के उसके मुताबिक ही करते रहें, अपनी बात ही ना करें,
तो इसको कहते हैं कंफ्यूजन फैलाना, जिसके लिए उन्होंने उनको बाकायदा चुना है। और ये चीज़ें तो पाकिस्तान में जो एक डी मैरिट, जिसका सबसे बड़ा चैंपियन आपके आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो दाजियां बखेर के रख दी। आप देख लें कोई भी इम्पॉर्टेंट अहदा जिसमें नौजवानों को, नए लोगों को, फ्रेश जहन को, एजुकेटेड लोगों को सामने आना चाहिए, उस पर कब्रों से मुर्दे निकाल निकाल के बैठाए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उस मामले में वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद भसानी साहब सर फॉर एलैबोरेटिंग दिस इशू फ्रॉम हिस्टोरिकल लेंस एज वेल और हमें हिस्ट्री, और कहते हैं ना कि इफ यू नो हिस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड यू कैन प्रोटेक्ट फ्यूचर। तो यही बात है कि आपके जो हिस्ट्री का वो ऑब्वियसली एनालिसिस है दैट कैन हेल्प अस के हम मुस्तकबिल में जो है वो किस तरफ जा रहे हैं।